सर किस चीज का पेपर था? आज सिपाही से हेड कांस्टेबल का प्रमोशन परीक्षा का लिखित परीक्षा है, तो इसमें करीब अजमेर जिला के करीब 500 सिपाहियों ने शामिल हुआ है। जो भी उसके बाद पास होंगे लिखित परीक्षा में, उसके बाद हम इसको फिजिकल टेस्ट लेंगे। फिजिकल टेस्ट लेने के बाद इनके रिकॉर्ड के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर ये हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। हमारा प्रयास है कि हमारे जो नीचे के जो अधिकारी है इनको समय पर प्रमोशन मिले ताकि ये आगे और भी तरक्की कर पाए। हाँ, इसमें दो पेपर है, प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर। पहले वाला 9 से 12 और दूसरा वाला 2 से 5 रखा है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट का? हाँ, अजमेर जिले का, पूरे जिले का मतलब ये प्रमोशन परीक्षा है। कितने पद है इसमें? करीब 82 अपने पद है जी। और हम इसको लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मतलब प्रमोशन परीक्षा होते रहे। ठीक, थैंक यू। क्या परीक्षा थी और कितने कांस्टेबल ने भाग लिया? कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा का रिटर्न टेस्ट था, जिसके अंदर करीब 82 वैकेंसी है, 507 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। अभी फर्स्ट पेपर हुआ था, दो पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर 9 से 12, दूसरा जो पेपर होगा 2 से 5। पहले पेपर में 507 में से 62 अभ्यर्थी नहीं बैठे थे, एबसेंट है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल परीक्षा होती है, रिटन टेस्ट डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होती है। उसका जो पहला पेपर होता है वो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट का होता है, दूसरा प्रैक्टिकल पुलिसिंग का पेपर होता है। अजमेर से आए हैं? ये अजमेर जिले के ही हैं। 16-17 की वैकेंसी है, उसके अगेंस्ट में पदोन्नति परीक्षा की जो रिटन टेस्ट।